नमस्कार दोस्तों, जमाई राजा एक्टर रवि दुबे और नेहा शर्मा जमाई राजा सीजन 1 में एक दूसरे के इतने करीब जा चुके थे, काफ़ी करीब। आप लोगों को बता देता हूँ, जमाई राजा सीजन 1 2014 में स्टार्ट हुआ था, जो कि उससे ही पहले सही एक साल पहले रवि दुबे की शादी हो चुकी थी 2013 में। लेकिन रवि दुबे और नेहा शर्मा जब जमाई राजा सीजन 1 कर रहे थे तो एक दूसरे के इतने करीब जा चुके थे कि काफ़ी करीब जा चुके थे। वो इंदौर की बात है कि जब रवि दुबे की शादी होने के बावजूद भी नेहा शर्मा उनके काफ़ी करीब चली गई थी, क्योंकि रवि दुबे की बात करें तो रवि दुबे और नेहा शर्मा एक दूसरे को काफ़ी पसंद किया करते थे। क्योंकि ये सीरियल जो कि 2017 में आकर ख़त्म हो गया था, जमाई राजा सीजन 1। और जहां तक बात करते हैं रवि दुबे और नेहा शर्मा की, तो रवि दुबे नेहा शर्मा ने एक दूसरे का काफ़ी साथ दिया था, ये जानते हुए भी कि रवि दुबे ऑलरेडी शादीशुदा हैं और नेहा शर्मा रवि दुबे एक दूसरे के काफ़ी करीब जा चुके थे। मैं आपको बता देता हूँ कि नेहा शर्मा टेलीविज़न की काफ़ी बड़ी एक्ट्रेस में से गिनी जाती हैं। वहीं रवि दुबे की बात करें तो रवि दुबे का भी टेलीविज़न में आज के टाइम में सिक्का चलता है। रवि दुबे की बात करते हैं तो उनकी शादी पंजाब की एक्ट्रेस सरगुन मेहता से हुई थी। सरगुन मेहता और रवि दुबे काफ़ी खुश हैं। हालांकि रवि दुबे और नेहा शर्मा एक दूसरे के आज भी काफ़ी अच्छे क्लोज फ्रेंड हैं। बात करते हैं रवि दुबे के साथ में फिर अगेन, वो जमाई राजा सीजन 2 में नजर आई थी, लेकिन सीजन 2 में ऐसा कुछ भी नहीं। लेकिन फिर भी रवि दुबे और नेहा शर्मा एक दूसरे के काफ़ी करीब जा चुके थे। सीजन 2 की बात करते हैं तो सीजन 2 काफ़ी सुपरहिट सीरियल गिना जाता है, क्योंकि एक दूसरे के साथ में काफ़ी बोल्ड सीन दिए थे नेहा शर्मा और रवि दुबे ने। नेहा शर्मा रवि दुबे जो कि कहीं ना कहीं एक दूसरे के लिए कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार रहते हैं। आप लोगों को बता देता हूँ, जमाई राजा सीजन 3 जो कि आप लोगों के बीच में 25 दिसंबर से एक बार फिर से देखने को मिलेगा, रवि दुबे जो कि कहीं ना कहीं आज के टाइम में नेहा शर्मा की काफ़ी फिक्र भी करते हैं। रवि दुबे और नेहा शर्मा एक दूसरे की काफ़ी केयर करते हैं और एक दूसरे की रेस्पेक्ट भी करते हैं। वहीं नेहा शर्मा की बात करें तो नेहा शर्मा टेलीविज़न की काफ़ी बोल्ड एक्टर्स में से भी गिनी जाती हैं। कहीं ना कहीं टेलीविज़न में रवि दुबे और नेहा शर्मा की जोड़ी को काफ़ी सराहना भी है, क्योंकि टेलीविज़न में इनको अवार्ड भी मिल चुका है जोड़ी ऑफ द ईयर में टेलीविज़न के एक्टर, जो कि रवि दुबे और नेहा शर्मा को जमाई राजा के लिए अवार्ड भी मिल चुका है। वहीं पे बात करते हैं रवि दुबे के साथ नेहा शर्मा की बॉन्डिंग तो काफ़ी सभी को पसंद आ रही थी, लेकिन अब ये देखना काफ़ी दिलचस्प हो जाएगा कि रवि दुबे और नेहा शर्मा जमाई राजा सीजन 3 में इनकी जोड़ी पब्लिक को कैसी पसंद आती है और पब्लिक इनको आखिर कितना प्यार देती है। वो टाइम बताएगा कि कितनी सक्सेस स्टोरी हो पाती है, क्योंकि सुनने में आ रहा 25 दिसंबर से इन दोनों का अपकमिंग शो जो कि जमाई राजा सीजन 3 में नजर आएंगे। रवि दुबे अपने किसी न किसी प्रोजेक्ट में ऑल टाइम बिजी ही रहते हैं। वहीं नेहा शर्मा की बात करें तो नेहा शर्मा को जमाई राजा के साथ साथ में बिग बॉस 14 का ऑफर भी मिल चुका है और वो कुछ एपिसोडों के लिए जमाई राजा के साथ साथ में वो बिग बॉस 14 में भी एंट्री लेंगी, क्योंकि बिग बॉस 14 में कुछ एपिसोडों के लिए नेहा शर्मा का भी देखना जरूरी हो गया है। वहीं नेहा शर्मा की बात करें तो जमाई राजा सीजन 3 के लिए वो काफ़ी एक्साइटेड हैं, क्योंकि रवि दुबे के साथ में उनको फिर से एक बार काम करने का मौका मिल रहा है, तो नेहा शर्मा इस मौके को बिल्कुल भी छोड़ना नहीं चाहेंगे। वहीं नेहा शर्मा के साथ में रवि दुबे की बात करें तो रवि दुबे अपने हर एक प्रोजेक्ट में हर एक नई स्कीम कहीं ना कहीं वो दिलचस्पी दिखाते हैं, और नेहा शर्मा के साथ में जिस तरीके का अपकमिंग प्रोजेक्ट जमाई राजा सीजन 3 की अनाउंसमेंट हुई है, तब से रवि दुबे और भी ज़्यादा एक्साइटेड हो चुके हैं नेहा शर्मा के साथ में काम करने को लेकर। उसके साथ साथ में जमाई राजा सीजन 3 में नेहा शर्मा के साथ में अजय सिंह और संजय सोराजा की टीम नजर आएंगी। थैंक यू।